सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो आज मैं आपको ग्लास पेंटिंग बताने वाला हूं कि आप ग्लास पेंटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि ग्लास पे पेंटिंग कैसे करें वो बताओ, क्योंकि ग्लास पेंटिंग का काफी ज्यादा क्रेज हो गया है आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है ग्लास पेंटिंग बनाने से वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जाती है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक तरीका है ग्लास पर पेंटिंग करना और काफी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अभी मैं आपको जो मैंने ग्लास पेंटिंग करी है वो दिखाने वाला हूँ। मैं ये भोलेनाथ जी की एक पेंटिंग है ग्लास पेंटिंग, और ये ग्लास मुझे कहाँ से अवेलेबल हुआ, ये ग्लास मेरे घर में ही रखा हुआ था, किसी फ्रेम में से निकला हुआ, तो मैंने इस पे ट्राई करने की सोचा। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है, हालांकि इस पे वैसे एक्रिलिक कलर यूज होते हैं, मैंने इस पे वाटर कलर यूज करा क्योंकि मेरे पास वही थे। काफी ज्यादा क्वांटिटी लगती है वाटर कलर की, तो अगर आपको ग्लास पे पेंटिंग करनी है तो सबसे पहले आप एक्रिलिक कलर बाय कर ले और उससे यूज करें तो काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लास पे पेंटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले आपको ग्लास लेना है और उस पर किसी भी चीज से स्प्रे करके उसको क्लीन कर लेना, चाहे आपके पास क्लीनर हो या वाटर हो या कुछ भी। आप ड्रॉइंग करो तो इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि जो ग्लास होता है उस पर आउटलाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, आप शुरू में ही उस पर आउटलाइन कर ले किसी मार्कर के थ्रू, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको डिफिकल्ट नहीं आएगी। तो अगर आपको पेंटिंग करनी है ग्लास पे, तो आपको उसके जो पेंटिंग सीधी होती है हमें उल्टी डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, नहीं तो जब हम पेंटिंग को देखेंगे तो हमें उल्टी दिखाई देगी, क्योंकि जो ग्लास होता है जो उसकी दो साइड दोनों साइड की लेयर होती है, जब हम देखते हैं उसको वो तो फ्रंट साइड से दिखाई देते हैं, हमें लगता है वो सीधी है पर वो सीधी नहीं होती। जब हम साइड से पलट के देखते हैं तो पेंटिंग उल्टी दिखाई देने लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए जो आप पेंटिंग करोगे उसको आप उल्टा करना, उसी का अपोजिट करना है जिस भी चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हो। और सेकेंड बात आती है कि ग्लास पे जब हम पेंटिंग करते हैं तो ये सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, और अगर आप एक लेयर करने के बाद इस पे डायरेक्ट पेंटिंग करते हो तो जो आपने पहले ड्राइंग बनाया है वो कलर पूरा अच्छे से फैल जाएगा और बढ़िया से दिखाई नहीं देगी, पेंटिंग बिल्कुल खराब नजर आएगी। इसके बाद आपको जिस भी चीज को ड्रॉ करना है, आप जैसे हम पहले किसी वॉल पेपर पे ड्राइंग करते हैं तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड वगैरह बना लेते हैं या फिर पर्सन बना लेते हैं, तो इस पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है, जिस भी चीज को हमें हाईलाइट दिखाना है हमें सबसे पहले उस चीज को ड्रॉ करना है। और इसमें सबसे पहले डिटेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसमें डिटेलिंग हम आखिरी में देते हैं, इस पर डिटेलिंग शुरू में ही देनी है। आप ग्लास के उल्टी साइड पेंटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले डिटेलिंग देनी है, क्योंकि डिटेलिंग हम सबसे आखिरी में देते हैं जब हम पेपर पर करते हैं, पर इस पर सबसे पहले डिटेलिंग देनी है ताकि जो पेंटिंग है वो उभर के आए, और जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी लास्ट में देना पड़ता है। तो इसमें उल्टा होता है बिल्कुल जैसे हम ड्राइंग करते हैं सिंपली। और ध्यान रखना इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना, नहीं तो कलर पूरा फैल सकता है, क्योंकि मैंने वाटर कलर यूज़ करा है, मुझे वाटर कलर में दिक्कत देखने को मिली है। बाकी आप एक्रिलिक कलर यूज़ करोगे तो उसको देखना, मेरे को मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मैं उसको यूज़ करके देखूंगा वो कितनी जल्दी ड्राई होता है या फैलता है कि नहीं फैलता है। फिलहाल ये फैल रहा था इसलिए मैंने इसको काफ़ी टाइम तक सुखाया, फिर मैंने सेकेंड लेयर दी इसको। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हो कैसा रिजल्ट आया है। और मेरा ये जो सेकंड पेंटिंग थी ग्लास पेंटिंग, मैंने इसको बस सिंपली ऐसे बना के देखा था ट्राई करके, बाकी मैं आगे एक्रिलिक कलर का यूज़ करूंगा, फिर देखूंगा कैसे क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जो कि पेंटिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आपको और अच्छी अच्छी पेंटिंग सीखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।